मऊ में बुधवार को बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान बताया गया कि देश का कमजोर, वंचित और असहाय व्यक्ति बहन जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। पार्टी के कार्यकर्ता बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर जन्मदिन का उपहार देंगे। 2019 में ये बधाई और शुभकामना देते हैं कि जो देश का हर व्यक्ति जो वंचित है, कमजोर है, असहाय है, वह बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। इस जन्मदिन पर जैसा कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अभी लाइव कास्ट दिखा करके बता करके उन्होंने कहा कि ये जन्मदिन का जो उपहार होगा हम लोग बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बना करके जन्मदिन की बधाई देंगे। इस गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, चाहे शिखर के नेता हों चाहे जमीनी स्तर के नेता हों, सबकी नींद उड़ चुकी है। और 2019 में बहन कुमारी मायावती जी, अखिलेश यादव जी का जो सफल गठबंधन होगा, इसका कोई जोड़ नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है। ऐसा मैं, उत्तर प्रदेश में अभी जो चुनाव हुआ, लोकसभा का उपचुनाव हुआ, उसमें तो ये साबित कर दिया विचारों की लड़ाई ने, और जीत करके गोरखपुर फूलपुरा कराना जीत करके बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने दिखा दिया। इस नाते ये जो ठग बंधन कह रहे हैं, इनसे पूछा जाए मीडिया के माध्यम से कि 46-47 लोगों का गठबंधन इन्होंने किया है, जो वादा किया है पूरा इन्होंने नहीं किया है, तो ठगबंधन के रूप में तो वो देखे जा रहे हैं। ये सफल बंधन है, ये सफल गठबंधन है, विचारों का गठबंधन है। हमारे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को, माननीय अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।